आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अठारह नवंबर है आज, दिन है बुधवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। आज सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक और महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर आरबीआई ने पाबंदियां क्यों लगाई, और आए दिन इस तरह की खबरों के बीच क्या सुरक्षित है बैंकों में आपका पैसा। दूसरी खबर है कि पंजाब में अब पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा, लेकिन उसके लिए चुनौतियां क्या हैं और कैसी तैयारियां कर रही है पार्टी राज्य में। क्या जनवरी में होने जा रहा निकाय चुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट क्यों लाया गया, कैसे काम करेगा ये गौ कैबिनेट और इसे लेकर क्या सियासत भी हो सकती है। साथ ही बात करेंगे बोलीविया में मिले एक नए वायरस चापरे की, उसमें भी मौत वाला पोटेंशियल है, ये भी इंसानों से इंसानों में फैलता है। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 69 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 को सही ठहराया है। अदालत के इस फैसले से 40-45 कट ऑफ की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 38,617 नए मामले सामने आए और 474 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई है। रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं हो पाएगा। रूसी संसद के निचले सदन डुमा ने नए बचाव विधेयक को समर्थन दे दिया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बाद अब बैंक के खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के बाद महाराष्ट्र के जालना जिले के मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। और फीफा ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में खेले जाने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। साथ ही भारत को 2022 की मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर माफी मांगी है। अपने आधिकारिक बयान में ट्विटर ने कहा है कि इस भूल को 30 नवंबर तक सुधार लिया जाएगा। शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिनभर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम अमन गुप्ता है। आर्थिक संकट से गुजर रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदी लगाने के 24 घंटे के भीतर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है। ये बैंक है महाराष्ट्र के जालना जिले का मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन्हें लेकर आरबीआई ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने तक पैसे निकालने और जमा करने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दिया जा सकेगा और ना ही पुराने लोन का रिन्यूअल होगा और ना कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। बैंक पर नई जमा राशि लेने और भुगतान दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि लक्ष्मी विलास बैंक के खाताधारक अब अपने खाते से अधिकतम 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित पर 20 लाख की मॉनिटर पेनल्टी लगाई गई है और कर्नाटक के ही विजयपुरा में द डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों आरबीआई ने इन बैंकों पर पाबंदियां और जुर्माना लगाया है। यही जाना हमने अपने मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। ऐसा क्यों किया गया? तो निश्चित तौर पर कि बैंक के पास कोई अपना रिवाइवल प्लान नहीं था ऐसा, जिससे बैंक को या रिजर्व बैंक को या आरबीआई को जिस पर भरोसा हो सके कि हाँ ये रिवाइवल प्लान बैंक को उभार सकता है। और इसी कारण जो बैंकिंग अधिनियम है 1949 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार
निजी बैंक पर, निजी क्षेत्र के बैंक पर ये पाबंदी लगाती है। दूसरी जो बड़ी खबर थी वो महाराष्ट्र के एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से थी, जिसका नाम था मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। उस पर 6 माह के लिए विड्रॉल पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दिए गए हैं। तीसरी जो खबर थी वो कर्नाटक के एक बैंक पर थी जो इररेगुलरिटीज में पकड़ा गया था और उस पर आरबीआई ने 20 लाख रुपए की ये पेनल्टी लगाई थी। तो निश्चित तौर पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अमन, ये हमें समझना चाहिए, ये ऐसी स्थिति में लगाई जाती हैं कि जहां पर ये डर होता है कि अगर बैंक से बहुत सारा विड्रॉल हुआ तो बैंक कहीं किसी डिफॉल्ट की स्थिति का सामना ना कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उससे अचानक पैसा निकालें और ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए कि लोगों ने एटीएम डाला या लोगों ने चेक लिया और वो बैंक बाउंस कर गया। वो एक बहुत ही पैनिक की और ऐसी स्थिति कभी भारत में किसी बैंक के सामने नहीं आई है, इसीलिए आरबीआई तत्काल अगर किसी ऐसी बैंक की स्थिति फंसती है तो उसके लिए आगे आता है। हमने देखा इससे पहले भी यस बैंक की स्थिति में एसबीआई को लाया गया था आगे, जहां पे एसबीआई ने 45% हिस्सेदारी 7250 करोड़ रुपए में यस बैंक में पूंजी डालकर खरीदी थी। तो ये यस बैंक की ही आप समझ लीजिए अगली किस्त, लक्ष्मी विलास बैंक के, केवल नाम बदल के आए, चीजें वही हैं, डूबे कर्जे की स्थिति से ज्यादा बढ़ गए, बैंक के पास कोई रिवाइवल प्लान पुख्ता नहीं था, वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बैलेंस शीट खराब थी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। शुभम, उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा? क्या उन्हें हाल फिलहाल की इन पाबंदियों से परेशान होने की जरूरत है? देखिए, तो सबसे पहले आपने मुझे उपभोक्ताओं, तो उपभोक्ताओं पर सीधी सी बात है, निश्चित तौर पर उनके मन में आशंका गहराएगी। अगर आपका या मेरा किसी का खाता लक्ष्मी विलास बैंक में है तो सबसे पहले मेरे ऊपर ये पाबंदी लग जाएगी कि मैं 25,000 रुपए से ज्यादा उसमें से नहीं निकाल सकता, वो एक रिस्ट्रिक्शन मेरे सामने होगी, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि देखिए, बैंक जो है ना पूरी तरीके से ट्रस्ट का नाम है, भरोसे का नाम है। जब हमको ये समझ आता है कि हम अपने बैंक से 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर मेरा उस बैंक में 20 लाख रुपए जमा है और मुझे कोई घर खरीदना है या मैं भले मुझे जरूरत ना भी हो, चलिए आप इस स्थिति को समझ लीजिए कि अगर मेरा 20 लाख रुपए बैंक में जमा है, मुझे जरूरत ना भी हो और बैंक में पैसा रखा हो, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं इसमें से 25,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, तो ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, ये बुरी तरीके से टूटता है। और जो ग्राहक, जो उपभोक्ता होते हैं दरअसल, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका नकारात्मक असर पड़ता है कि जिस दिन ये पाबंदी हट भी जाएगी तब भी क्या लक्ष्मी विलास बैंक पर लोग दोबारा उतना भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। अच्छा शुभम, पहले भी जब इस तरह की चीजें हुई हैं, चाहे वो यस बैंक के साथ हुई हो या पीएमसी बैंक के साथ हुई हो, हमने देखा कि कई कंपनियां उसे बचाने के लिए आगे आई, सरकार ने भी प्रयास किए, आरबीआई ने प्रयास किए, क्या इन बैंकों के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, अब जैसा कि आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें अब वो बिना आरबीआई के अप्रूवल के, इन राइटिंग अप्रूवल के, कोई भी नया लोन ना तो ग्रांट कर सकते हैं ना ही उसको रिन्यू कर सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई नई लायबिलिटी जैसे कोई नया फंड बाजार से नहीं उठा सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो पूरी तरीके से बैंक पे शिकंजा कस दिया कि आप किसी भी, जब आप नया फंड नहीं उठा सकते, नया लोन नहीं दे सकते, और यही बैंक के मुख्य कार्य होते हैं। जब आप बैंक को इस स्थिति में ला देते हैं कि आप नया कर्ज उठाएं ना आप नया कर्ज दें, तो इसका मतलब आप मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि बैंक पे एक तरीके से आप ताला लगा दीजिए, आप अपनी किसी भी गतिविधि में ना रहिए। दूसरी बैंक लक्ष्मी विलास की स्थिति में भी आपने स्पष्ट कर दिया कि डीबीएस को बोला है कि भाई आप अधिग्रहण का आपने ऐलान कर दिया है, अब वो कहीं ना कहीं आप इस स्थिति में पहुंच गए कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो अब आपको किसी दूसरे के गले में बांध दिया जाएगा, जहां आपको जो भी वैल्यूएशन मिलेगी, जो आपका खर्चा होगा वो अपने ऊपर लेगा, आपके में पैसा डालेगा और दोबारा बैंक को जियाने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आरबीआई नियामक है क्योंकि, और सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अगर बैंक कोई देश में डूबता है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा न केवल सरकार को बल्कि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्तर पर, अगर आप देखें तो एक ये होना कि भारत में कोई बैंक डिफॉल्ट हो गया, ये एक बड़ी नकारात्मक सी बात है अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो निश्चित तौर पर सरकार हो या नियामक हो, अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और यही हमने देखा कि एक तरफ घोषणा ये होती है रिस्ट्रिक्शन की और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये घोषणा हो जाती है कि आरबीएस उसके साथ, सॉरी डीबीएस बैंक उसके साथ विलय की, अधिग्रहण की योजना बना रहा है। जी शुभम, एक और बात मैं समझना चाहूंगा, और इस तरह की खबरें जब जब आती हैं तब तब यही सवाल उठता है कि कितना सेफ है बैंकों में आपका जमा पैसा, आपकी क्या राय है इसे लेकर और क्या कहते हैं सरकार के नियम?
यही सेम सवाल जो आज लक्ष्मी विलास बैंक के सामने है, यही एक साल पहले यस बैंक के सामने थे जब यस बैंक पर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे कि आज जो स्थिति हमारे साथ है, क्या वो जो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ है वो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि ये डिपॉजिटर्स को समझना चाहिए कि एक 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 निश्चित राशि होती है जो उनकी किसी ना किसी हर बैंक में सेफ होती है। वो राशि जो पहले 1 लाख रुपए की हुआ करती थी उसको अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी और अब लोग 5 लाख रुपए तक की उनकी राशि किसी भी बैंक में सेफ है। और अगर मर्जर भी है तो ऐसा नहीं कि देश में पहली बार कोई किसी बैंक का मर्जर हो रहा है। मर्जर की स्थिति में आपको बिल्कुल चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्जर एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमने देखा इससे पहले भी बहुत सारे बैंक बिना ऐसी स्थिति में आए भी मर्ज कर दिए गए थे, बट वहां पर सेवाओं में या बैंक की सुविधाओं में किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता है। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शुभम शंकर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। बिहार चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी ने अब मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने 2022 के राज्य चुनावों में 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने दी है। साथ ही इस बार के निकाय चुनावों में भी बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। एक कारण इसका यह भी है कि 24 सालों से गठबंधन में उसके साथ रही शिरोमणि अकाली दल अब उससे नाता तोड़ चुकी है। किसान बिलों को लेकर सितंबर में ही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए को छोड़ दिया था। अब पंजाब को लेकर एक बात यह कही जाती है कि सत्ता उसी के हाथ आती है जिसका सिख समुदाय में आधार मजबूत हो, और बीजेपी का नेतृत्व ये जानता है कि पंजाब के राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि बिना किसी पार्टी के सहयोग से पंजाब की सत्ता के गलियारों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तो क्या आने वाले चुनावों में किसी दल के साथ आने के समीकरण बन सकते हैं? यही पूछा मैंने पंजाब में आज तक रेडियो के संवाददाता सत्येंद्र चौहान से। देखिए अमन, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से ये शुरुआत की है और इस शुरुआत में अभी फिलहाल ये लग रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से मन बनाया है कि बीजेपी अकेले बिना किसी गठबंधन के आगे जाएगी, और उसमें जो तैयारियां जिस तरह की लग रही हैं, क्योंकि अकाली दल एक पुराना इनका सहयोगी रहा है और 1997 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो बीजेपी ने जो पैंच लगाई है, जो अकाली दल से टूटे हुए निकले हुए नेता है, जिसमें ढींसा परिवार है पंजाब की राजनीति में और पंथक राजनीति जिसे बोलते हैं, उसमें ढींसा परिवार का बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपने दम पर पंजाब में एक बार कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। तो अभी ये कहना कि बीजेपी किसके साथ जाएगी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा अमित शाह स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और अब 11 जिलों में नए ऑफिस खोले जा रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट बीजेपी ने शुरू करी है, तो ये लग रहा है कि अभी बीजेपी फिलहाल एक बार टेम्परेचर चेक कर रही है और इस बार पूरा मन है कि बीजेपी अपने बलबूते पंजाब में चुनाव लड़ेगी। अच्छा सत्येंद्र, टेम्परेचर नापने की बात आपने कही, तो क्या जनवरी में जो होने वाले निकाय चुनाव हैं उनसे बीजेपी ये टेम्परेचर नाप पाएगी? इन चुनावों का कैसा असर होगा बीजेपी पर? देखिए, निकाय चुनाव बीजेपी के लिए सबसे दो चीजें मैं आपको बता दूं कि अभी जो कृषि कानून आए हैं उन कानूनों को लेकर पंजाब के देहात इलाके में खासकर किसानों में बहुत भारी नाराजगी है और ये बीजेपी को बात अच्छे से पता है। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो शहरों में बीजेपी का अपना एक कैडर होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीजेपी अभी तक अकेले चुनाव नहीं लड़ी है, अलायंस में रही है, तो बीजेपी को शहरों में थोड़ी कामयाबी मिल सकती है। और डिसएडवांटेज ये है कि बीजेपी के खिलाफ किसान बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, तो वहीं व्यापारी भी बीजेपी से पिछले जो 2-3 फैसले हुए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं नाराज है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो शहरी वोट है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वरदान अगर
मिला तो साबित हो सकता है। अच्छा सत्येंद्र, पंजाब में देखा जा रहा है कि बीजेपी से उसी की पार्टी के नेताओं का मोह भंग हो रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव बरिंदर सिंह संधू ने पार्टी छोड़ दी। उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य थे मलविंगर कंग, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इसका कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को देखते हैं आप? देखिए, कृषि कानूनों को लेकर पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि किसान के साथ जो आड़ती, जिसको ट्रेडर्स कम्युनिटी कहते हैं, व्यापारी वर्ग होता है, वो भी कहीं ना कहीं किसान के साथ खड़ा है। और इसी नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी के जो खास जो किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो कम्युनिटी पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, पंथक से जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उन नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है। और अब बीजेपी के पास जो चेहरे हैं वो शहरी चेहरे हैं, शहरों से, चाहे बीजेपी का गढ़ पठानकोट है, गुरदासपुर है, होशियारपुर है, ये कहीं ना कहीं एक हिंदू बेल्ट है और यहाँ पर बीजेपी के पास चेहरे हैं। लेकिन जब आप देहात क्षेत्र में जाएंगे वहां पर बीजेपी का पास फेस नहीं है। तो ये पहले सवाल का भी जवाब है कि एक चुनौती है बीजेपी के लिए, और दूसरा ये आने वाले टाइम में बीजेपी को कितना नफा नुकसान देगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोग, खासकर नेता, बीजेपी को छोड़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए चुनौतियां इसमें कम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है बीजेपी के लिए। ये थे पंजाब में आज तक रेडियो के संवाददाता सत्येंद्र चौहान। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बीजेपी के लिए गाय हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। खासतौर से उत्तर भारत में बीजेपी शासित राज्यों में गायों को केंद्र में रखकर कानून और नियम अक्सर बनाए जाते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में गाय की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखरेख के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में अब गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट में 6 विभाग शामिल किए जाएंगे। इसमें पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। शिवराज सिंह ने यह भी बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी। 22 नवंबर को गोपाष्टमी है और इस दिन दोपहर 12 बजे आगर मालवा स्थित गौ अभ्यारण्य में ये बैठक की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज तक रेडियो के संवाददाता रवीश पाल हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि मध्य प्रदेश में इस गौ कैबिनेट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश में दरअसल होता यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश आए हो कभी बरसात के दिनों में खासतौर से, तो जो गाय होती है ये अपनी गोचर भूमि जो होती है उसे छोड़ करके सड़कों पर आके बैठ जाती है, क्योंकि उस दौरान मिट्टी जो होती है वो गीली होती है। और उस दौरान यदि गाय जमीन पर जाकर के जंगलों में या फिर खेतों में गीली जमीन पर जाकर के बैठती है तो कीड़े और जो मच्छर या मक्खियां जो होती है उससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में उनसे बचने के लिए गाय जो होती है, जो लावारिस गाय होती है जिनको हम कह सकते हैं, तो वो सड़कों पर, हाईवे पे आकर के बैठ जाती है ताकि जब वहां से गाड़ियां गुजरती हैं तो उन्हें इस तरह की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्हें ना कोई कीड़ा काटता है ना मच्छरों या मक्खियों से उन्हें परेशानी होती है। लेकिन ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि इससे गायों का भी नुकसान है, घटना होती है, दुर्घटना जब होती है तो उनकी भी क्षति होती है और इंसानी जाने भी जाती है कई बार, क्योंकि दुर्घटनाएं कई बार बहुत बड़ी हो जाती है जब हाईवे पे तेज रफ्तार गाड़ियां इन गायों से टकराती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लाखों की तादाद में गाय तो है जिनकी रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि जब पिछली सरकार आई थी कमलनाथ की तो उन्होंने कहा जरूर था 1000 गौशालाएं बनाने का, लेकिन वो भी गायों की जो संख्या है जो लाखों में है मध्य प्रदेश में उसके सामने वो बहुत छोटी संख्या थी। हालांकि वो भी गौशालाएं पूरी बन नहीं पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो नई कैबिनेट का गठन किया गया है इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रहेगा किस तरीके की, इसमें अगर विभाग देखें तो उन तमाम विभागों को इसमें शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं गायों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में काम आ सकते हैं, रही वो राजस्व हो क्योंकि जमीन की जरूरत राजस्व विभाग के जरिए ही पड़ेगी, कृषि विभाग की बात हो क्योंकि कृषि विभाग के जरिए गायों के चारे की व्यवस्था की जाएगी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रामीण और पंचायत विभाग भी, ग्रामीण पंचायत विभाग को रखा गया है ताकि पंचायत स्तर पर गौशालाओं को खोलने के लिए जो तमाम कानूनी कार्रवाई होती है, जो औपचारिकताएं होती है, वो पूरी की जा सकेगी। अच्छा रवीश, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि ये गौ कैबिनेट किस तरह से काम करेगी? इसका काम एक ही रहेगा कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर से आवारा गायों को हटाना है, उन्हें
आश्रय स्थल जो गायों के लिए बनाए जाएंगे उनमें शिफ्ट करना है, और उससे कैसे जो गायों से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, भले ही वो गोबर हो, दूध हो, घी हो या तमाम दूसरी चीजें हो, उनसे कैसे ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने गोधन सेवा योजना की शुरुआत की है इसी साल, जहां पे जो पशुपालक होते हैं उनसे गायों का गोबर खरीदा जाता है सरकारी दर पर। तो ये तमाम इस तरीके की योजनाएं जो है ये मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में देखी जा सकती है। हालांकि जब 22 नवंबर को पहली बैठक होगी उसमें देखा जाएगा कि क्या फैसले जो है गौ सेवा और गोरक्षा के लिए लिए जाते हैं इस अपने आप में होने वाली इतिहास की पहली गौ कैबिनेट की बैठक में। जी रवीश, चूंकि गाय से जुड़ा मसला धर्म के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा रहता है, क्या लगता है क्या इस पर कुछ सियासी खींचतान की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, खींचतान की गुंजाइश है। आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में जैसे होड़ लगी हुई है कांग्रेस और भाजपा के बीच में खुद की पार्टी को सबसे बड़ा गो सेवक या गो भक्त बताने की, क्योंकि एक तरफ जब 2017 की तत्कालीन शिवराज सरकार ने गो अभयारण्य खोला था जिसमें हजारों की संख्या में गायों को रखा जाता है, लावारिस गायों को उनकी इलाज की व्यवस्था की जाती है, उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाता है, और जाहिर सी बात है ये चुनावों में मुद्दा रहता है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव आए थे तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़े मुद्दों में से एक गौ सेवा को रखा था, क्योंकि सौप्त हिंदुत्व के राह पे ही पूरा चुनाव लड़ा था 2018 में कांग्रेस ने, और मंदिर के अलावा गौ सेवा गौ भक्ति जो है वो कांग्रेस के मुद्दों में सबसे ऊपर था, और इसीलिए उन्होंने ये घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोली जाएंगी, और उन्होंने इसका काम की शुरुआत की भी थी। मध्य प्रदेश में गौशालाओं सरकारी गौशालाओं के बनाने का रास्ता साफ हुआ था। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने जो गायों को चारा मिलता है सरकारी गौशालाओं में जो कि 3 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन होता था, उसे बढ़ा करके 20 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन कर दिया था। तो और उसके बाद जब अब शिवराज सरकार आई है तो शिवराज सरकार ने गो कैबिनेट का गठन किया है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने काफी काम किया था, हालांकि बाद में सरकार चले गई, तो ऐसे में भाजपा को गो कैबिनेट के गठन से ज्यादा कांग्रेस के जो छूटे हुए काम थे उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है खींचतान तो शुरू हो ही चुकी है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में इस बात की फिलहाल होड़ है कि दोनों में कौन सबसे बड़ा गोप्रेमी है। अब देखने वाली बात यह है कि जब 22 नवंबर को पहली कैबिनेट की बैठक होगी उस पर फैसले क्या लिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या उम्मीद थी और क्या सामने निकल के आया। ये थे भोपाल से आज तक रेडियो के संवाददाता रवीश पाल सिंह। और अगली खबर पर बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं अपने पॉडकास्ट के बारे में। तो हमारे साथी नितिन ठाकुर ने टेक गुरु अभिषेक तैलंग से पबजी को लेकर एक बातचीत की है, आप जरूर सुनिएगा। अगर आप पबजी लवर हैं तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आएगा। पता आप जानते हैं aajtak.in/podcast, यहां हमारे वेब पेज पर पहुंचकर आपको ये पॉडकास्ट दिख जाएगा। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं कि कोरोना के बाद आने वाले समय में और भी ऐसे वायरसों का पता चलेगा जो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें साबित होती नजर आ रही हैं। अभी आपने हंता वायरस के बारे में भी सुना, स्वाइन फ्लू का एक नया वायरस मिला, चीन से ही एक और ब्रूसीलोसिस वायरस का भी पता चला, अब एक और नया वायरस मिला है दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में। इसका नाम है चापरे। जानकारी मिली है कि ये भी इंसानों से इंसानों में फैलता है और 2 लोगों की इससे मौत हुई है। ऋचिक हमारे संवाददाता हैं जो स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि इस वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ और इसका नाम चापरे कैसे पड़ा। एक बात अगर ध्यान दें तो ये वायरस की खोज हुई थी साल 2004 में, और चापरे बोलीविया में एक कस्बा है, एक शहर है छोटा सा, करीब वहां की राजधानी लापास से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस समय ये एक बहुत छोटा सा बीमारी जो है वो फैली थी, छोटा संक्रमण था, इसलिए उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी रिसेंटली इस वायरस की वजह से एक मरीज और 2 मेडिकल एम्प्लॉयज जो है मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से ये फिर से चर्चा में आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके जो लक्षण है और जो इसका असर है वो इबोला वायरस जैसा है। ऋचिक, आपने बताया कि शुरुआती लक्षण इबोला की तरह ही हैं, तो जरा विस्तार से बताइए किस तरह के हैं ये लक्षण। देखिए इबोला की तरह ही इसके लक्षण हैं। शुरुआती दौर पे आपको फीवर आएगा, पेट में दर्द होगा, उल्टियां होंगी, मसूड़ों से खून आएगा, त्वचा जो है वो रूखी हो जाएगी, और आंखों के पीछे की तरफ जो पुतलियां होती हैं
उनके पीछे की तरफ दर्द होता है, और जब स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, गंभीर हो जाती है, उस समय हेमोरेजिक फीवर होता है। हेमोरेजिक फीवर का मतलब ये होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, तो खून की सप्लाई कम ज्यादा होती रहती है अलग अलग ऑर्गन्स में, और धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है, तो इससे मल्टी ऑर्गन फेल्योर का भी एक खतरा रहता है। अच्छा रिची, हमने देखा कि कोरोना एक वायरस था जो इतनी बड़ी महामारी बन गया, क्या इसमें भी कोई महामारी वाला पोटेंशियल लगता है? देखिए फिलहाल तो अभी ये कह पाना कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है या नहीं फैल सकता है वो मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक इसके बारे में वैज्ञानिकों ने खुल करके कोई बात सामने रखी नहीं है। लेकिन ये बीमारी जो है ये आप अगर याद हो तो ये चूहों के जरिए फैलती है, और चूहों के जरिए चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र में ब्लैक फीवर फैला था, वो भी बड़ा जानलेवा था। बीच में एक खबर आई थी कि चाइना में वो केस उठे थे, लेकिन चाइना ने उसको वापस कंट्रोल कर लिया कोरोना काल के दौरान ही। तो अगर ये चूहों के जरिए फैलाया जाने वाला किसी तरह का वायरस है तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलेगा, क्योंकि इसमें ये क्षमता है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सके और संक्रमित कर सके। और अगर इसके लक्षण इबोला जैसे हैं तो ये वाकई घातक है और ये कोरोना वायरस की तरह फैल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 लोगों को हुआ है, तो हो सकता है कि क्योंकि खबर भी आ गई है, पूरे वर्ल्ड मीडिया को ये पता भी चल चुका है, तो इसको लेकर के सतर्कता बरती जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संबंधित देश की जो सरकार है बोलिविया की, वो इस पे काम करेंगे। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्कता तो रखनी ही चाहिए। आखिर में रिचिक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस वायरस की अचानक से पहचान कैसे हो पाई? देखिए पहचान अगर कायदे से देखा जाए तो इसका पहला केस 2004 में आया था, जैसा मैंने भी आपको बताया, वो चापरे जो कस्बा उनका टाउन है बोलीविया में वहीं पर। लेकिन ये शुरुआत में जब भी कोई नई बीमारी आती है तो डॉक्टर भी दुविधा में आ जाते हैं। उन्होंने ये समझा कि ये डेंगू है, क्योंकि इसके लक्षण जो है डेंगू और इबोला जैसे है, तो उनको लगा डेंगू है और उसका इलाज उस तरीके से किया गया। इस बार भी सतर्कता बढ़ती गई, क्योंकि कोविड की जांच पड़ताल चल रही है, लोग सतर्क हैं, इसलिए इस बार इसके बारे में सारी चीजें आ गई। बात रही WHO की चेतावनी की कि दुनिया में और भी वायरसेस और महामारियां आ सकती हैं, तो ये जाहिर सी बात है जिस तरह से जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से जीवों की हत्या होती है, लोग इंसान जो है वो सारे जीव खाता है, खाते पीते रहेंगे और इस तरह से जंगलों को काटते रहेंगे, तो वो जीव जो है जंगलों के और समुद्र के वो बाहर निकल के आएंगे। आप उनसे जितना ज्यादा संपर्क में रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तो हमें नहीं मालूम कि एक समुद्री जीव या एक जंगली जीव के शरीर में कितने बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं और वो किस तरह से आपको बीमार कर सकते हैं या आपकी जान ले सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि भविष्य में हमको ये चीजें देखने को मिल सकती है, तो हमें उसके लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। और सबसे बड़ी तैयारी जो है कि आपका जो निश है, जो आपका एरिया है, आपकी जो लिमिट है, आप उसको क्रॉस ना करें। जिस दिन आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो दूसरा वाला जो प्राणी है, जो जीव है या प्रजाति है, वो अपनी लिमिट क्रॉस करके आपके क्षेत्र में आएगा, वो आपको परेशान करेगा, वो दिक्कत करेगा। ये थे हमारे स्वास्थ्य संवाददाता रिचिक मिश्रा। तो दिन भर में आज इतना ही। आज तक रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा आपका अगर कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर आप हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आज तक रेडियो डालिए, हम सब जगह आपको मिलेंगे। फिर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है, वहाँ हमसे जुड़िए। हर पॉडकास्ट की लिंक वहाँ हम डालते हैं, सुनने में आपको आसानी होगी। ऑडियो सुनने के लिए अगर आप किसी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, पॉडचेजर या JioSaavn का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमें खोजिए, वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है, हमारे प्रोग्राम आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मुझे यानी अमन गुप्ता को और मेरे साउंड के साथी कपिल देव सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।